समाज में नारी का उत्थान और सम्मान जरूरी है। बौद्धायन सोसाइटी की ओर से शहर की वरिष्ठ कवियत्री द्वारा रचित पुस्तक छनपकैया का लोकार्पण किया गया। मेरी पुस्तक है लिखी हुई जो छनपकैया। छनपकैया ये विलुप्त प्राय विधा है जो आजकल लगभग नहीं दिख रही है, तो ये थोड़ा सा संज्ञान में मेरे आई तो मैंने सोचा इस ऐसी विधाओं को, चूँकि एक तरीके से ये विरासत हैं जिनसे हमारी विरासत भी उसका संरक्षण होगा, संवर्धन होगा, जो हमारा उद्देश्य भी होता है, तो ये सांस्कृतिक दृष्टि से भी इसके महत्व को समझते हुए छनपकैया पर कुछ काम करना हमने शुरू किया, तो इत्तेफाक से जो है वो बढ़ता गया तो फिर मुझे लगा कि इसको एक पुस्तक का स्वरूप दे देना चाहिए जिससे जो हमारी आने वाली आज की पीढ़ी है कम से कम वो भी उस विधा को जान पाएगी। इस अवसर पर कवयित्री के जीवन के संघर्षों पर आधारित उपन्यास का भी लोकार्पण किया गया। डॉक्टर मंजरी पांडे वो एक नाम नहीं है, एक गाथा है स्त्री के संघर्ष की। और जब मैं पहली बार मंजरी जी से मिली और उनके बारे में जाना तो पता नहीं कहाँ से एक प्रेरणा मिली कि मैं इनकी कहानी लिखूं, और इसलिए लिखूं कि वो कहानी नहीं है, वो एक प्रेरणा है। आज स्त्री का जो भी जीवन है उस जीवन में जितने संघर्ष हो सकते हैं शायद मंजरी जी ने हर संघर्ष को झेला है, और उस संघर्षों को झेलने के बाद आज वो जहाँ पर हैं अपने को बचाती और एक उदाहरण प्रस्तुत करती, राष्ट्रपति सम्मान तक कैसे पहुँची हैं, ये एक जानने वाली बात तो है लेकिन ये गुनने वाली बात है, समझने वाली बात भी है, और इसलिए मैंने काव्या की रचना की, काव्या यानी मंजरी पांडे। छनपकैया में मूल रूप से लेखिका ने पुरानी कहावतों को रेखांकित किया है कि किस तरह से इन कहावतों के माध्यम से लोग अपनी बातों को कह दिया करते थे, जैसे चना जोर गरम के माध्यम से आज़ादी के दीवानों को किस तरह से सूचनाएँ पहुँचाई जाती थी। इस तरह से लेखिका ने पुरानी कहावतों के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों और अच्छाइयों को भी उजागर करने का कार्य किया। तो इस तरह से यह एक परंपराएं प्रस्थान बिंदु की तरह हमारे लिए आज का कार्यक्रम हो, यहाँ तक ये छनपकैया भी एक तरह से प्रस्थान बिंदु ही है। बहुत पहले की बात है और मैं लिख रही हूँ तो मैंने बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। समाज क्या देखता है, क्या सोचता है, या आनंद या जिंदगी में कब मिलता है। डॉक्टर इंद्रजीत जीवाला जी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। आज इस 4-5 दिन की साहित्यिक यात्रा में आप लोगों ने जो अमूल्य स्नेह प्यार और सम्मान हम सबको दिया है वो हमारे लिए।